हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है इन्वर्ट्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है इन्वर्ट्स। इन्वर्ट्स का मीनिंग होता है एग्जैक्ट अपोजिट, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट अपोजिट इन्वर्ट्स कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्ट्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर का इन्वर्ट्स क्या होता है, तो इसके लिए हम पहले एक लेट कर रहे हैं, एक नंबर जो कि 2 है। इस नंबर 2 का उल्टा क्या हो सकता है, ये अभी न्यूमिरेटर में है और इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो लेट अ नंबर इक्वल्स टू 2, इन्वर्ट्स ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 1/2। अब ये मेरे पास दो नंबर आए हैं, इन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। इसको हम एक यूनिट वैल्यू कहेंगे, एक यूनिट, एक नंबर। तो ऐसे ही इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका इन्वर्स निकालते हैं तो आप उसको ए इन्वर्स से ऐसे डिनोट करेंगे, ए माइनस 1। तो ये डिनोशन है एक इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। अगर वो कैपिटल ए से डिनोट हो रहा है तो आप उसको ए इन्वर्स ऐसे दिखाएंगे, अगर वो कैपिटल बी से डिनोट हो रहा है तो आपको कैपिटल बी और माइनस 1 दिखाएंगे। एक ए मैट्रिक्स के लिए भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स अलग होंगे ए इन्वर्स मैट्रिक्स से। अगर आप ए डॉट ए इन्वर्स करेंगे, मतलब ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स के साथ, या ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा या यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होगी। तो ए मैट्रिक्स को हम शो कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, वर्टिकल दो लाइंस वर्टिकल आप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपकी वैल्यू 0 आती है देन ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ही नहीं है इन्वर्स। या आप लिख सकते हो कि ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल नहीं है। या आप उसे ये भी कह सकते हैं कि ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसका मैट्रिक्स का पॉसिबल है इन्वर्स। या आप उसे कहेंगे ए इज़ इन्वर्टिबल या ए इज़ नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट आने के बाद आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उस ए मैट्रिक्स के, जो गिवन मैट्रिक्स होगी आपकी। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए। देन इसके बाद ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1/ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को आप ए डी जे भी लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। तो अब हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। एक 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, जहां पर आपको एलिमेंट्स गिवन है ए मैट्रिक्स के जिसका ऑर्डर है 2/2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपने, इसके बाद जो गिवन पार्ट है उसको लिख लेना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखने के बाद सबसे पहले स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए मैट्रिक्स को, ए के साइड में भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका मतलब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देन ऐसे ही आपने एलिमेंट्स के लेफ्ट और राइट साइड भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इनको लिख लेना है। अब सबसे पहले जो स्टेप है वो आपने प्लस एंड माइनस साइन असाइन करना है। सबसे पहले जो आएगा वो प्लस होगा, देन अगले एलिमेंट के लिए माइनस होगा। अब इसके बाद आपने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आगे प्लस है तो इनके आगे कोई साइन यूज नहीं करना है। -3 × 4। देन उसके बाद आपने 5 को इंटू करना होगा 2 के साथ। अब 5 के ऊपर माइनस साइन है तो हमने यहाँ माइनस साइन यूज किया है। -3 × 4 -5 × 2,
हमें मिला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -12 माइनस 5 × 2 = 10 माइनस माइनस प्लस होगा तो इन दोनों के एडिशन से वी गेट 22। इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो 12 है तो हम माइनस साइन असाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो डिटर्मिनेंट आई है वो वैल्यू है -22। -22 हमारी वैल्यू आई है जो कि एक ज़ीरो वैल्यू नहीं है, मतलब ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो सिंस डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आया है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। आप इसमें इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज़ पॉसिबल और ए इज़ इन्वर्टिबल और ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट के बाद कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने जो मैट्रिक्स है उसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स ही होते हैं, तो एलिमेंट्स के लिए हम इनको लिख लेते हैं पहले A11 मतलब पहला एलिमेंट, A12 सेकेंड एलिमेंट, A21 थर्ड एलिमेंट, A22 फोर्थ एलिमेंट। 2x2 मैट्रिक्स में चार एलिमेंट है तो चारों को हमने लिख लिया। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है -1i + j। i क्या होता है, i नंबर ऑफ़ रोज होता है, j नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। तो इसमें हम इनकी पावर में एडिशन करते हैं रो और कॉलम का -1 की। तो सबसे पहले एलिमेंट के लिए हमारे पास i और j क्या है, 1 1, तो -1 पावर में आएगा 1 + 1। मल्टीप्लाई करेंगे -1 raised to the power 1 + 1 के साथ एक एलिमेंट का। अब वो एलिमेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स में से आपने जो पहला एलिमेंट है वो है 1 1, तो आपने फर्स्ट रो हाइड करनी होगी और फर्स्ट कॉलम हाइड करना होगा। तो फर्स्ट रो हाइड करेंगे तो एंड कॉलम हाइड करेंगे तो हमें मिला 4। देखिए एलिमेंट हमें मिल रहा है 4 रो और कॉलम हाइड करने पर, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 4। -1 raised to the power 2 × 4 -1 2 times मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर में 2 है, तो 2 बार इंटू करेंगे × 4। देन इसका माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई होके +4 आएगी। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं A12। इसके लिए i + j होगा 1 + 2 इंटू में जो एलिमेंट होगा वो 1 रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करने से मिलेगा। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे तो 2 हमें मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। इसके बाद 1 + 2 होगा 3, मतलब -1 की 3 times मल्टीप्लाई होगा। 3 times मल्टीप्लाई करने के बाद 2 signs तो कैंसिल आउट हो जाएंगे नेगेटिव, 1 sign हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, तो वो अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आई -2। थर्ड एलिमेंट के लिए A21 के लिए वही सेम एज इट इज़, आप पोजीशंस को ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो पोजीशन है वो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमें वैल्यू मिल रही है 5 5 हमने लिखा, 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की, 2 signs तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, 1 हमें बचेगा रिमेनिंग, तो उसकी मल्टीप्लाई होके 5 से -5 हमें मिला। देन लास्ट एलिमेंट है A22। A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास आया -3। -1 की 4 times इंटू होगी तो चारों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, इवन साइंस कैंसिल आउट हो जाते हैं और ऑड साइंस कैंसिल आउट नहीं हो पाते हैं, उसमें से 1 बचेगा, -3 बचा, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस कैंसिल, इससे ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा -3, तो -3 हमारे पास आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एक 2x2 मैट्रिक्स का। कोफैक्टर्स निकालने का एक सिंपल तरीका भी है, तो इसके लिए आपने कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A लिखिएगा, फिर एलिमेंट्स रखेंगे A11। अब इसमें आपने क्या करना है, 1 1 है मतलब कि 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा तो एक ये इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ होगा, ऑड वैल्यू के लिए नेगेटिव साइन यूज़ होगा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव
मतलब कुछ ना लगाएं तो भी चलेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आई 4। फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में होगा वो एलिमेंट। 1+2 कितना आएगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन असाइन कर दीजिए उसे। असाइन करने के बाद हाइड करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आई 2, माइनस का 2 हो गया वैल्यू। थर्ड एलिमेंट के लिए 8, 2, 1। फ्रेंड्स थर्ड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो वो थर्ड रो होगा हमारा। तो 2+1 कितना होगा, एक ऑड वैल्यू मिलेगा, तो ऑड होगा तो नेगेटिव साइन आप यूज़ करेंगे। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कीजिए, हमारे पास वैल्यू आई 5, तो माइनस का 5 वैल्यू हो गई। फिर 8, 2, 2 के लिए वैल्यू आएगी -3, 2+2 पॉजिटिव वैल्यू, इवन वैल्यू मिलेगा, इवन वैल्यू मिलेगा तो हम पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे। तो ऐसे भी आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप -1 raised to the power 1+1 या i+j करके नहीं करना चाह रहे तो। कोफैक्टर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडजॉइंट निकालने का। अब एडजॉइंट देखते हैं। अब कोफैक्टर्स के जो एलिमेंट्स आए हैं वो हैं 4 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड है -2, थर्ड है -5, फोर्थ है -3। इनको हम एडजॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले आप इनको 1, 1 की जगह लिखिए, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट होगा 4, सेकेंड एलिमेंट है 1, 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा -2। फिर 8, 2, 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट होगा -5। फिर ऐसे ही लास्ट एलिमेंट। अब इनका हमने ट्रांसपोज लिखा है यहाँ पे, ट्रांसपोज मतलब कि रो कॉलम बनेगा तब जाके वो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी ये एडजॉइंट नहीं है क्योंकि हमने इनको भी ट्रांसपोज करना है। फ्रेंड्स हमने अभी जो कोफैक्टर्स किए हैं वो हमने इस मेथड से किए हैं, और दूसरा डायरेक्ट मेथड जिसमें इवन के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और ऑड के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो जब हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे इनवर्स उसका, तो हम उस केस में प्लस और माइनस का साइन यूज़ करते हुए चलेंगे, इवन ऑड के केस की तरह। इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, जिसमें आपका रो जो कि है 4 और -2 कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पर -5 और -3 इसका कॉलम हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है। इसके बाद आपने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। फॉर्मूला है A inverse = 1/determinant adjoint A। ए इनवर्स, अब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया था वो माइनस का 22 आया था, तो इसलिए हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो 1/-22 एडजॉइंट ए के लिए पूरा मैट्रिक्स लिखिए। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया है। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपका ये जो 22 है ये डिवाइड हो रहा है हर एक एलिमेंट के साथ। तो -4/22, 5/22 क्योंकि इन दोनों के साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2/22 एंड 3/22। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।